नया नियम पढ़ते हैं आप लोग तो बाइबल जानते हैं ना, नया नियम में कब कहां हालेलुया का शब्द ज्यादा ऊंचाई से सुनाई पड़ा? मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। कारण से वे लोग हालेलुया बोलते करके दूसरा पद में ही आया है। अगर इस वेश्या करके बाइबल बतलाती है उसके बारे में जानने के लिए अगर 18 पद को अध्याय को खोलना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। एक दूत का शब्द को मैंने देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बाबिलोन। हाँ, बाबिलोन गिर गया। अभी 17 अध्याय में देखिए ये बाबिलोन कौन है। 5वां पद को पढ़िएगा, 17 अध्याय का 5वां पद। घृणित वस्तुओं की माता, घृणित वस्तुओं की माता। 17 अध्याय में, 18 अध्याय में ये वेश्या की पूरा विवरण दिया गया है। वो वेश्या कौन है मालूम है? सारी घृणित बातों की माता, सारी प्रकार की गंदगी की माता, सारे वेश्याओं की माता बाबिलोन। वो बाबिलोन कौन है करके मैं अभी समझाने के लिए जमा नहीं है, एक वक्त में मैं समझाऊंगा। लेकिन बाबिलोन का मतलब झूठा धर्म, झूठा मसीहत। बगल वाला का हाथ पकड़ के हिला के बोलिएगा, बाबिलोन का मतलब नया नियम में झूठे मसीहत का तस्वीर है। प्रभु कहता गिर गया, बाबिलोन गिर गया, झूठे धर्म गिर गया, झूठी डकोसला करने वाला कलीसिया की गिरावट हो गई। सब लोगों ने कहा हालेलुया।